नहीं, ये अम्फन तो एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में था, यह जो है एक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। सीवियर साइक्लोन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के कैटेगरी में आता है, और उम्मीद की जा रही है कि जिसका जो लोअर साइड है 90 के आसपास ही हवा रहेगी, 90 से 100 के बीच में, जो कि मुझे लगता है कि नेगोशिएबल है। फिर भी एहतियात के तौर पर जो तटवर्ती ज़िले हैं महाराष्ट्र के और गुजरात में, वहाँ पर इवैक्यूएशन का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि गृहमंत्री महोदय ने दोनों ही मुख्यमंत्री महोदयों से बात किया है, और इस पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ काम कर रही है, तैयारी मुकम्मल है, और उम्मीद की जाती है कि कल जब और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो जाएगा कि साइक्लोन किस तरफ से आने वाला है और कहाँ लैंडफॉल होगा, उसके अनुकूल हम लोग फिर और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डिप्टेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हर तरह की तैयारी है और भारत सरकार और दोनों राज्य सरकारें मिलकर इस पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए, इसके लिए ट्रेनिंग हमारी है, अगर NDRF नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। यही एजेंसी है जो डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए तैनात है, और डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए ही ये प्रिपेयर करती है हर तरह से। और जो अच्छी बात है वो हमारे फेवर में ये है कि हम लोग पहले ही फ्लड के बारे में तैयारी कर रहे थे, और फ्लड को इस तरह से तैयारी कर रहे थे कि फ्लड कोविड के समय में जब आएगा तो कैसे काम करेंगे, दोनों का कैसे हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। तो उसी दरमियान ये अम्फन साइक्लोन आया, और अब ये नया साइक्लोन गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट में आ रहा है। तो हमारे पास जो भी फोर्स है वो प्री मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल फर्स्ट रिस्पांस की ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग करता है और उसके बारे में जानकारी रखता है, तो इसलिए हमारे लिए एक तरह से बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चैलेंज ज़रूर है। इस चैलेंज को हम लोग पूरी एंथुजियाज्म के साथ और पूरी तैयारी के साथ फेस करेंगे।